अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज एक नोटिफिकेशन आई है क्लास 11th के प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग। आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उनकी जो डेट है वो आ चुकी है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन के बाद ही होंगे। तो बाकी आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि हमारे जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो कुछ ही दिन में स्टार्ट हो रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो आपके एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन के बाद ही होंगे। और ये भी मैं बताना चाहूँ, चाहे क्लास 10th के हो या क्लास 12th के हो, हर एक का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो आपके एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन के बाद ही होंगे। ओके, उससे पहले कुछ नहीं होगा। बाकी इंटरनल एग्जाम तो वो तो हो चुका होगा ऑलरेडी। यही कहना था इस वीडियो में, अगर आपके पास कोई सी भी नोटिफिकेशन आती है जेके बोस की, तो उसको अच्छे से पढ़ा करें, उसको मिसअंडरस्टैंड मत किया करें। बिकॉज बहुत सारों को क्या होता है कि वहां पे कुछ लिखा होता है लेकिन वो मीनिंग डिफरेंट ले लेते हैं। सो बाकी बस इतना ही कहना है कि चाहे आप क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप बस अपने एनुअल रेगुलर मतलब थ्योरी एग्जामिनेशन पे फोकस करें अभी। सो बाकी प्रैक्टिकल हो जाएंगे आपके उसके बाद। एंड मैं अल्लाह सुबहाना वताला ब्लेस यू ऑल एंड ग्रांट सक्सेस टू ऑल ऑफ यू। सो बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स स्ट्रेटजीज वगैरह मिलती रहे, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सो बाकी मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।